Young's double slit experiment. डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्यों है? डबल स्लिट क्यों नाम होगा? डबल स्लिट दो स्लिट है, दो सोर्सेज है, एस वन एंड एस टू, बराबर है? ठीक है, देयर आर टू सोर्सेज, एस वन एंड एस टू. अभी ये डायग्राम ठीक से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देयर आर टू सोर्सेज, एस वन एस टू. एक स्क्रीन है, स्क्रीन पर कोई भी पॉइंट ले लो पी, स्क्रीन पे हमको क्या दिखाई देगा? स्क्रीन पे क्या दिखाई देगा? इंटरफेरेंस पैटर्न, डार्क व्हाइट डार्क व्हाइट डार्क व्हाइट ऐसे दिखाई देगा. ठीक है, तो एक कोई भी पॉइंट लेते पी, ये सेंटर, दिस सेंटर पॉइंट इज ओ. सो लेट डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम सेंटर इज एक्स, बराबर है? डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम सेंटर इज एक्स. पॉइंट पी ब्राइट होगा या डार्क होगा? पॉइंट पी ब्राइट होगा या डार्क होगा? क्यों? पार्ट डिफरेंस पे डिपेंड करेगा, बराबर? डिपेंडिंग अपॉन पार्ट डिफरेंस हम लोग बाद में कंक्लूजन निकालेंगे पॉइंट पी ब्राइट है डार्क है. तो निकालो पार्ट डिफरेंस की पाथ, ये इसका पाथ. तो फाइनली पार्ट डिफरेंस डिसाइड करेगा कि दिस पॉइंट विल बी ब्राइट और डार्क. पार्ट डिफरेंस मतलब क्या डायग्राम में? एस टू पी माइनस एस वन पी. अभी थोड़े से नोटेशंस. दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है? कल मैंने एक्सप्लेन किया था. दिस डिस्टेंस इज डिस्टेंस बिटवीन टू सोर्सेज, स्मॉल डी, स्मॉल डी. ये डिस्टेंस कैपिटल डी, बराबर है? ये डिस्टेंस बताओ कितना है. सपोज मैंने ये कंस्ट्रक्शन किया यहाँ पे, ये डिस्टेंस कितना है? डी बाई टू. ये डी है, ये सेंटर है, तो ये डिस्टेंस डी बाई टू हुआ. और ये भी डिस्टेंस डी बाई टू. यहां तक डायग्राम क्लियर है? ठीक है, अभी मुझे पहले ये बताओ, सपोज ये लाइन देखो यहाँ पे S1 O, O पे भी कुछ तो फॉर्म होगा ब्राइट या डार्क, बराबर? ये देखो S1 O एक लाइन है, S2 O यहाँ पर मीट हुए और यहाँ पर इंटरफेरेंस हुआ, तो पॉइंट O ब्राइट होगा या डार्क होगा? कौन डिसाइड करेगा? पार्ट डिफरेंस. मतलब कौन सा पार्ट डिफरेंस यहाँ पे? S1 O माइनस S2 O, उसका वैल्यू कितना है? S2 O माइनस S1 O, जीरो. क्यों? दोनों इक्वल है. अगर मैं ये ट्रायंगल देखता हूँ यहाँ पे, ये ट्रायंगल, ये 90 डिग्री, ठीक है, ये दोनों इक्वल, ये कॉमन साइड, ये 90 डिग्री, तो एस एस टेस ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, देयरफॉर एस वन ओ इक्वल टू एस टू ओ, दोनों का सब्ट्रैक्शन जीरो. पार्ट डिफरेंस जीरो मतलब पॉइंट ब्राइट एड आर, पार्ट डिफरेंस जीरो मतलब ब्राइट एड आर, ब्राइट एड आर, ब्राइट. ये इवन मल्टीपल है या ऑड मल्टीपल है? इवन वाले में आता है ना जीरो टू पाई फोर पाई, तो ये पॉइंट क्या होगा? ब्राइट एड आर, ब्राइट. तो याद रखो सेंट्रल पॉइंट विल ऑलवेज बी ब्राइट पॉइंट, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज सेंट्रल ब्राइट. तो इंटरफेरेंस पैटर्न में सेंटर में हमेशा क्या मिलेगा? ब्राइट पॉइंट. ठीक है, फाइंड क्या करना है अभी? एस टू पी माइनस एस वन पी. डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग ये फाइंड कर सकते हैं. अगर ऊपर वाला ट्रायंगल देखोगे ये, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये ऊपर वाला ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो क्या यूज करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग हमेशा? पाइथागोरस. पाइथागोरस से एस वन पी मिलेगा, एस वन पी मिलेगा या एस वन पी स्क्वायर मिलेगा? स्क्वायर. एस टू पी कैसे फाइंड करूं? कौन सा ट्राइंगल एस टू पी के लिए कौन सा ट्राइंगल यूज करूं? एस टू पी एन, ये बड़ा वाला ट्राइंगल. ठीक है, सो दिस इज स्टेप वन. ये दोनों ट्राइंगल में हम लोग क्या अप्लाई करेंगे? थ्योरम ऑफ पाइथागोरस इन ट्राइंगल. पहले ये ले लो एस टू पी एन, ये बड़ा ट्राइंगल, बताओ पाइथागोरस कैसे अप्लाई करूं? एस टू पी स्क्वायर इक्वल टू पी एन स्क्वायर प्लस एस टू एन स्क्वायर, बराबर ना? दिस स्क्वायर एस टू पी स्क्वायर इक्वल टू एस टू एन स्क्वायर प्लस पी एन स्क्वायर,
एस टू पी स्क्वायर, तो वो तो ठीक है। पी एन, पी एन का वैल्यू पता है क्या? पी एन पता है ना कितना है? पी एन डायग्राम में देखो, पी एन नहीं, पी एन ये पूरा लेंथ, ये पूरा लेंथ नहीं, एक्स तो सिर्फ इतना है, एक्स तो पी ओ है। वेरी गुड, मुझे पी एन चाहिए, तो एक्स प्लस डी बाई टू, तो पी एन की जगह पर लिखेंगे एक्स प्लस डी बाई टू स्क्वायर। एस टू एन कितना है? बराबर एस टू एन कैपिटल डी, कुछ डिफिकल्ट किया यहाँ पे नहीं? सो ये इक्वेशन वन बराबर है, कुछ लिखिए, कंटिन्यू करें। नेक्स्ट क्या करूँ, कौन सा ट्रायंगल लो अभी? इन ट्रायंगल एस वन पी एम, बताओ कैसे अप्लाई करूँ यहाँ पे? एस वन पी स्क्वायर इक्वल टू, एस वन पी स्क्वायर इक्वल टू पी एम स्क्वायर प्लस एस वन एन स्क्वायर, बताओ कौन से वैल्यूज पता है? एस वन एन स्क्वायर, तो एस वन पी स्क्वायर इक्वल टू पी एम, पी एम कितना है? पीएम कितना है? एक्स माइनस डी बाई टू, मुझे ये चाहिए पीएम, तो पीएम कितना? ये पूरा एक्स माइनस डी बाई टू प्लस एस वन एम कितना है? एस वन एम कैपिटल डी स्क्वायर एस वन एम, ये हुआ कैपिटल डी स्क्वायर, ये इक्वेशन टू। ये सब मैंने क्यों फाइंड किया है? क्या फाइंड करना था? क्या फाइंड करना, मैंने लिखा था ना यहाँ पे, क्या फाइंड करना था? एस टू पी माइनस एस वन पी, मुझे स्क्वायर वाले पार्ट्स मिले, सब ट्रैक करूँ बराबर। सो इक्वेशन वन माइनस इक्वेशन टू, तो एस टू पी स्क्वायर माइनस एस वन पी स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस डी बाई टू स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस, ये दोनों माइनस बराबर, एक्स माइनस डी बाई टू स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, कुछ कैंसिल, डी स्क्वायर कैंसिल बराबर। इसको ओपन करो ना ब्रैकेट, ये ए प्लस बी होल स्क्वायर है बराबर, तो पहले ओपन करना पड़ेगा, तो ये क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर माइनस, ये ब्रैकेट है यहाँ पे, तो ये होगा ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर राइट। तो जब ब्रैकेट ओपन होगा तो साइन चेंज सबका, सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस टू कैंसिल एक्स डी प्लस डी स्क्वायर बाय फोर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये कैंसिल एक्स डी माइनस डी स्क्वायर बाय फोर, कुछ कैंसिल डी स्क्वायर बाय फोर कैंसिल, एक्स स्क्वायर भी कैंसिल, तो सिर्फ क्या बचेगा? एक्स डी प्लस एक्स डी टू एक्स डी, सो दिस इज टू एक्स डी, कुछ डिफिकल्ट किया यहाँ तक? इजी है बराबर। नेक्स्ट लेफ्ट साइड देखो, मुझे वो स्क्वायर वाला टर्म चाहिए, सिंगल वाला टर्म चाहिए, सिंगल, तो कुछ फॉर्मूला है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू टू एक्स डी, मुझे ये वाला पार्ट फाइंड करना है, तो ये इधर ही रखते हैं, एस टू पी माइनस एस वन पी इक्वल टू टू एक्स डी डिवाइड बाय एस टू पी प्लस एस वन पी, कुछ डिफिकल्ट नहीं? ठीक है, हम लोगों ने स्टडी इंटरफेरेंस पैटर्न की कंडीशन में लिखा था डी शुड बी वेरी लार्ज, तो अभी ठीक से देखो, व्हेन डी इज वेरी लार्ज, ये एस वन एस टू, डी इधर है किधर तो स्क्रीन बराबर, ये सेंटर, ये सेंटर, तो ये अपना कैपिटल डी, पॉइंट भी इधर है, तो एस वन ये पी, एस टू ये पी, तीनों इक्वल दिखाई दे रहे हैं क्या? ऑलमोस्ट बराबर, एस वन पी एस टू पी और कैपिटल डी ऑलमोस्ट इक्वल है, क्यों इक्वल दिखाई दे रहे? बिकॉज कैपिटल डी इज वेरी लार्ज बराबर, एज D is large, we can consider S1P approximately equal to S2P approximately equal to capital D. बराबर, therefore S2P minus S1P equal to 2XD upon D plus D. D plus D मतलब
2d, 2 कैंसिल, s2p माइनस s1p मतलब क्या, पाथ डिफरेंस, देयरफॉर पाथ डिफरेंस इक्वल टू xd अपॉन कैपिटल d, देयरफॉर मुझे स्मॉल x फाइंड करना है, स्मॉल x इक्वल टू पाथ डिफरेंस इनटू कैपिटल d अपॉन, तो ये पार्ट डिफरेंस डिसाइड करेगा पॉइंट पी विल बी ब्राइट और डार्क. इफ दिस पार्ट डिफरेंस इज इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 तो ब्राइट पॉइंट होगा, इफ दिस पार्ट डिफरेंस इज ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 तो डार्क पॉइंट होगा. अगेन याद रखने की इजी ट्रिक, कैपिटल टी बट पॉइंट ब्राइट होगा या डार्क होगा ये कौन डिसाइड करेगा, पार्ट डिफरेंस. तो कंस्ट्रक्टिव के लिए पार्ट डिफरेंस कितना होता है, नहीं मैंने क्या फॉर्मूला याद रखने के लिए बोला, कंस्ट्रक्टिव के लिए पार्ट डिफरेंस कितना होता है, n lambda, there are even multiple of lambda by 2, मतलब 2n lambda by 2, मतलब n lambda, डाल दो फॉर्मूला में, तो xb, ये ब्राइट पॉइंट के लिए, constructive इसलिए मैंने वर्ड क्या यूज़ किया है, xb, पार्ट डिफरेंस की जगह पर, n lambda, capital D by, small, तो ये वो ब्राइट पॉइंट का लोकेशन, बराबर, destructive interference, मतलब डार्क पॉइंट, पार्ट डिफरेंस कितना होता है डिस्ट्रक्टिव के लिए, 2n माइनस 1 लैम्बडा बाय 2, तो सब्स्टिट्यूट कर दो वहां पे, तो xd डार्क पॉइंट 2n माइनस 1 लैम्बडा बाय 2 कैपिटल d बाय स्मॉल. तो ब्राइट पॉइंट कहां पे मिलेगा, n लैम्बडा कैपिटल d बाय स्मॉल d, डार्क पॉइंट कहां पे मिलेगा, 2n माइनस 1 लैम्बडा कैपिटल d बाय स्मॉल. क्लियर है, n का वैल्यू क्या होता है, n इक्वल टू यहां पर 0 1 2, यहां पर क्या होता है 1 2 3 बराबर. अब इसका मीनिंग क्या है, अभी पहले मीनिंग अंडरस्टैंड कर लो, अगर मीनिंग क्लियर है तो आगे काफी सारी चीजें इजी हो जाएगी. अब इसका मीनिंग क्या होता है, अगर मैं इंटरफेरेंस पैटर्न देखूं स्क्रीन पे तो सेंटर में क्या दिखाई देगा, सेंटर में क्या दिखाई देगा, ब्राइट या डार्क, ब्राइट, देयरफॉर इट इज कॉल्ड ए सेंट्रल ब्राइट पॉइंट, मतलब जीरो, इसलिए एन इक्वल टू जीरो से स्टार्ट हुआ है, मतलब सेंटर वाला, बराबर. फिर हमको दिखाई देगा फर्स्ट डार्क, नीचे भी फर्स्ट डार्क, बराबर. फिर क्या दिखाई देगा, ब्राइट, फर्स्ट ब्राइट, बराबर. फिर क्या दिखाई देगा, सेकेंड डार्क, बराबर ना, अल्टरनेट ब्राइट डार्क दिखेंगे. फिर क्या दिखाई देगा, सेकेंड ब्राइट, फिर थर्ड डार्क, और फिर थर्ड ब्राइट, और सो ऑन. नीचे भी सेम, ये फर्स्ट ब्राइट, सेकेंड ब्राइट, थर्ड ब्राइट, यहां पर सेकेंड डार्क, थर्ड डार्क, फोर्थ डार्क, एंड सो ऑन. यहां तक क्लियर है, इसलिए ब्राइट का फॉर्म एन इक्वल टू 0 1 2 3 4, 0 फिर 1 2 3 4. डार्क शुरू कहां से हो रहा है, डायरेक्ट 1 से शुरू हो रहा है, इसलिए एन इक्वल टू 1 2 3 4. क्लियर है. अभी x क्या होता है, x इज डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट, बराबर ना, पॉइंट भी कोई भी पॉइंट है, डिस्टेंस कहां से मेजर किया है, सेंटर से. क्लियर, अभी ये फॉर्मूला यूज कैसे करना है, सपोज अगर क्वेश्चन पूछा है फाइंड डिस्टेंस ऑफ थर्ड ब्राइट बैंड फ्रॉम सेंटर, डिस्टेंस ऑफ थर्ड ब्राइट बैंड फ्रॉम सेंटर, थर्ड ब्राइट कहां पे दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, कहां से डिस्टेंस, यहां से डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना होता है, स्मॉल x, ये पॉइंट ब्राइट है डार्क है, ब्राइट है डार्क है पॉइंट, ब्राइट गिवन है ना, थर्ड ब्राइट ना, वो पॉइंट क्या है, थर्ड ब्राइट, इसलिए कौन सा फॉर्मूला यूज करूं, xb या xd, xb, कौन सा वाला ब्राइट बैंड पूछा है, कौन से नंबर का, थर्ड ब्राइट, थर्ड, तो n की जगह पर 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे, सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो सम खत्म. अगर क्वेश्चन में पूछा है फाइंड डिस्टेंस ऑफ सेवेंथ डार्क बैंड फ्रॉम सेंटर, तो कौन सा फॉर्मूला, n की जगह पर क्या लिखूं, 7, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो सम खत्म. ठीक है, डेफिनेशन फिर से पढ़ लो, क्या है फ्रिंज विड्थ, एनी टू एडजेसेंट ब्राइट बैंड्स या डार्क बैंड्स. ठीक है, ये एग्जांपल में देख लो, ये डिस्टेंस,
ये कैपिटल एक्स है क्या, बराबर डिस्टेंस बिटवीन एनी टू एडजेसेंट ब्राइट बैंड, मतलब सेकंड और थर्ड के बीच का डिस्टेंस, 19th और 20th ब्राइट बैंड के बीच का डिस्टेंस, 99 और 100 वाले के बीच का डिस्टेंस, कोई भी दो एडजेसेंट उनके बीच का डिस्टेंस इज कॉल्ड एज फ्रिंज विड्थ। कैसे कैलकुलेट करो, पहले नंबर वाइज देखते हैं और फिर जनरल फार्मूला देखेंगे, वो एक्स फाइंड कैसे करो, 3-2, वेरी गुड। बराबर सेंट्रल से ये डिस्टेंस कितना था एक्स 3b, बराबर सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना है एक्स 2b, तो कैपिटल एक्स कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये बड़ा वाला डिस्टेंस माइनस ये छोटा डिस्टेंस, मतलब x इक्वल टू एक्स 3b माइनस एक्स 2b, ये राइट है। फॉर्मूलाज यूज करते हैं, ब्राइट है, ब्राइट के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज करूं, ये या ये ऊपर वाला, बराबर 3b n की जगह पर क्या लिखूं 3, तो 3 लैम्डा कैपिटल d बाय स्मॉल d माइनस, ये भी ब्राइट है, n की जगह पर क्या यूज करूं 2 लैम्डा कैपिटल d बाय स्मॉल d, सो लैम्डा कैपिटल d बाय स्मॉल d ब्रैकेट में 3 - 2 3 - 2 तो x का वैल्यू कितना हुआ लैम्डा कैपिटल d बाय स्मॉल d। इजी याद रखने की ट्रिक, देखो सब फॉर्मूलाज में कॉमन क्या है, लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, तो कैपिटल एक्स कितना हुआ लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। क्लियर, अभी एक्चुअल डेरिवेशन, ये तो जस्ट आइडिया हुआ, एक्चुअल डेरिवेशन अभी हम लोग क्या करते हैं, दोनों एक्स फाइंड करेंगे, एक ब्राइट का फाइंड करते हैं, ब्राइट के बीच में और डार्क के बीच में फाइंड करते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने कंसिडर क्या किया था, दो ब्राइट पॉइंट कंसिडर किए थे, कौन से दो किए थे, थर्ड और सेकेंड। अभी हम लोग क्या करते हैं, एक लेते हैं एंथ, एंथ ब्राइट बैंड, उसके ऊपर का क्या होगा, यहाँ पे हम लोगों ने सेकंड लिया था उसके ऊपर थर्ड था, तो अगर मैंने एन ब्राइट बैंड लिया तो उसके ऊपर कौन सा होगा एन प्लस वन, बराबर है। कैपिटल एक्स फाइंड कैसे होगा, एक्स थ्री बी माइनस एक्स टू बी, यहां पर कैपिटल एक्स कैसे फाइंड हुआ, एक्स एन प्लस वन बी माइनस एक्स एन बी, मतलब n प्लस वन ब्राइट बैंड माइनस एक्स एन ब्राइट बैंड, ठीक है, मतलब कैपिटल x इक्वल टू एक्स एन प्लस वन ब्राइट बैंड माइनस एक्स एंथ ब्राइट बैंड। अगेन ब्राइट इसलिए ये फॉर्मूला यूज होगा, यहां पर देखो यहां पर n की जगह पर क्या लिखूं, क्या लिखूं n प्लस वन, यहां पर ये फॉर्मूला में n की जगह पर क्या लिखा था 3, बराबर ये b वाला नंबर, तो यहां पर n की जगह पर क्या लिखूं n प्लस वन, यूज करो फॉर्मूला, तो ये क्या होगा n प्लस वन लैम्डा कैपिटल d बाय स्मॉल d माइनस एक्स एन बी, एन की जगह पर क्या लिखूं n, बराबर है। ब्रैकेट्स ओपन करो, तो ये क्या होगा n लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, बराबर ना, ये ओपन और फिर वन से मल्टीप्लाई प्लस लैम्बडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी माइनस एन लैम्बडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, कुछ कैंसिल, क्या कैंसिल, ये कैंसिल, देयरफॉर कैपिटल एक्स क्या बचा लैम्बडा कैपिटल डी बाई, ये क्या है डिस्टेंस बिटवीन टू ब्राइट बैंड्स, एडजेसेंट ब्राइट बैंड्स, ठीक है। अभी डार्क के लिए सेम फाइंड करते हैं, डार्क के लिए भी ये लेते हैं nth डार्क बैंड और n प्लस वन डार्क बैंड, सिर्फ अभी डिफरेंस क्या होगा, फॉर्मूला कौन सा यूज करूं, फर्स्ट या सेकंड, सेकंड फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला यूज करो ये वाला, x कैपिटल x इक्वल टू x n प्लस वन डार्क बैंड माइनस एक्स एन डार्क बैंड। सेकेंड फॉर्मूला n की जगह पर क्या लिखूं एन प्लस वन, बता ना एन प्लस वन डार्क बैंड, इसलिए एन की जगह पर एन प्लस वन, सो टू ब्रैकेट में एन प्लस वन माइनस वन लैम्डा कैपिटल डी बाई टू डी माइनस एन की जगह पर क्या लिख रहे हैं एन, तो ये होगा टू एन माइनस वन लैम्डा कैपिटल डी बाई टू डी, बराबर है। कुछ डिफिकल्ट किया, यहाँ पे कॉमन क्या निकलेगा, कॉमन कुछ निकलेगा लैम्डा कैपिटल डी बाई टू डी, बराबर ब्रैकेट के अंदर, अभी ये ठीक से देखो, ये जब ब्रैकेट ओपन होगा ये टू एन प्लस टू
वेरी गुड, माइनस वन बराबर, यहाँ पर टू एन माइनस वन, ये माइनस साइन है तो दोनों का माइनस चेंज होगा साइन, तो ये माइनस टू एन प्लस वन माइनस वन कैंसिल, टू एन कैंसिल, सिर्फ टू बचेगा बराबर, तो ये हुआ टू लैम्डा कैपिटल डी बाय टू डी, टू कैंसिल, देयरफॉर कैपिटल एक्स इक्वल टू, दो डार्क बैंड के बीच का डिस्टेंस कितना है, लैम्डा कैपिटल डी बाय टू डी, मतलब दो ब्राइट बैंड होने दो या दो डार्क बैंड होने दो, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, सेम कितना, लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, क्लियर है। स्मॉल एक्स क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम सेंटर, कैपिटल एक्स क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ एनी टू ब्राइट बैंड्स और डार्क बैंड्स, क्लियर है फ्रेंड्स, वेट ये करो, फाइंड फाइंड डिस्टेंस बिटवीन, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन सम नंबर वन, उसमें सम वन, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन सम वन, थर्ड ब्राइट एंड टेंथ ब्राइट, थर्ड ब्राइट एंड टेंथ ब्राइट, उसमें केस ए, केस ए ऑन सेम साइड, केस ए ऑन सेम साइड, केस बी ऑन ऑन आइदर साइड ऑफ सेंट्रल ब्राइट बैंड, ऑन आइदर साइड ऑफ सेंट्रल ब्राइट बैंड, ठीक है। हम लोग काफी सारे एग्जांपल्स करेंगे, फिर मैं कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अभी डायग्राम देख लो पहले, छोटा छोटा करते हैं यहाँ पे, ये सेंट्रल ब्राइट, अभी क्वेश्चन में क्या पूछा है, डिस्टेंस बिटवीन थर्ड ब्राइट और टेंथ ब्राइट, उसमें केस वन है ऑन सेम साइड, मतलब सेंट्रल ब्राइट बैंड के सेम साइड पे, थर्ड ब्राइट कहां पर है, ये थर्ड ब्राइट है, ये टेंथ ब्राइट है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ये कितना होगा, ये पूछा है। तो अगेन एज यूजुअल अपने हमारे पास फॉर्मूलेस किसके, स्मॉल एक्स, स्मॉल एक्स मतलब कहां से, सेंटर से, मतलब मैं ये डिस्टेंस फाइंड कर सकता हूं क्या, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, एक्स टेन बी, ये डिस्टेंस कितना है, एक्स थ्री बी, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, एक्स टेन बी माइनस एक्स थ्री बी, तो केस ए का आंसर होगा एक्स टेन बी माइनस एक्स थ्री बी, बराबर है। थोड़ा सा कैलकुलेशन करके देखते हैं, एक्स टेन बी, एक्स टेन बी का फॉर्मूला, बी का फॉर्मूला एन की जगह पर क्या लिखो, टेन, एक्स थ्री बी, एन की जगह पर थ्री, एन लैम्बडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी कॉमन, अंदर क्या बचेगा, टेन माइनस थ्री सेवन, ये राइट है। केस बी ऑन आइदर साइड, मतलब टेंथ ब्राइट यहां पर है, थर्ड ब्राइट यहां पर है, ये अगेन सेंटर से ये डिस्टेंस कितना होगा, एक्स थ्री बी, तो ये पूरा डिस्टेंस कितना है, ये पूरा डिस्टेंस एक्स टेन बी प्लस एक्स थ्री बी, सो एक्स टेन बी प्लस एक्स थ्री बी, मतलब यहां पे सिर्फ प्लस होगा, तो टेन माइनस थ्री थर्टीन लैम्डा कैपिटल डी बाय, क्लियर है। मतलब जब भी सेम साइड होगा, सेम साइड तो क्या करना है, एड या सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट, ऑन आइदर साइड होगा तो एड, क्लियर है। सिमिलरली अगर मैंने पूछा डिस्टेंस बिटवीन थर्ड डार्क एंड सेवेंथ डार्क, सेम ऑन सेम साइड, ऑन सेम साइड का आंसर क्या होगा, डायग्राम देखने की जरूरत ही नहीं, ऑन सेम साइड का आंसर क्या होगा, एक्स 7d, इन दोनों के बीच में तो डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट, x3d, x7d,
डी का फॉर्मूला एन की जगह पर 7 सब्स्टिट्यूट करो, एक पार्ट आएगा माइनस एक्स थ्री डी, डी का फॉर्मूला एन की जगह पर 3। केस बी का ऑन आइदर साइड, किसके बीच में डिस्टेंस पूछा है, इन दोनों के बीच में, तो सेम एक्स 7d प्लस एक्स 3d ऑन आइदर साइड। समझ में आ रहा है, क्लियर है? ठीक है, अगर मैंने क्वेश्चन पूछा ये तो इजी था, अभी सपोज ये, ठीक है ये भी इजी वैसे, थर्ड डार्क और सेवेंथ ब्राइट, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, डायग्राम देखने की जरूरत ही नहीं है, थर्ड डार्क और सेवेंथ ब्राइट इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। केस ए ऑन सेम साइड एक्स सेवेंथ ब्राइट मतलब 7b माइनस एक्स 3d, ये डिस्टेंस हुआ, बराबर ना? किसके बीच पूछा है, सेवेंथ ब्राइट और थर्ड डार्क, तो सेवेंथ ब्राइट 3d, 7b के लिए फॉर्मूला ये फॉर्मूला, b का फॉर्मूला n की जगह पर 7, x 3d के लिए d का फॉर्मूला n की जगह पर 3, और ऑन आइदर साइड x 7b प्लस x, ये काफी फेवरेट CET क्वेश्चंस है, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन ये बैंड और वो बैंड वगैरह वगैरह, क्लियर है? सॉल्व कैसे करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर लो कॉमन लॉ, क्लियर है? इजी, 5100 एंगस्ट्रॉम इज यूज्ड इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इज यूज्ड इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इफ सेपरेशन ऑफ 10 फ्रिंजेस, इफ सेपरेशन ऑफ 10 फ्रिंजेस ऑन अ स्क्रीन, 10 फ्रिंजेस ऑन अ स्क्रीन 2 meter away is 2 centimeter, find slit separation, बताओ क्या आगे वाले 5100 एंगस्ट्रॉम क्या है, लैम्डा, एंगस्ट्रॉम मतलब कितना, 10 रेस टू माइनस 10 मीटर, ये गिवन है, और इफ ओवरऑल सेपरेशन ऑफ 10 फ्रिंजेस मतलब 10 फ्रिंजेस के बीच का डिस्टेंस मतलब क्या, फ्रिंज मतलब क्या, फ्रिंज मतलब क्या, हाँ डिस्टेंस बिटवीन, मतलब किससे डिनोट किया है, किससे डिनोट किया है, किससे डिनोट किया, फ्रिंज मतलब किससे डिनोट किया है, कैपिटल एक्स, डिस्टेंस बिटवीन 10 फ्रिंजेस मतलब क्या गिवन है, 10x, कितना है 10x ऑन अ स्क्रीन 2 मीटर अवे, मतलब स्क्रीन कितना दूर है 2 मीटर अवे, मतलब कैपिटल डी इज 2 सेंटीमीटर, मतलब 2 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 2 मीटर, फाइंड स्लिट सेपरेशन मतलब स्लिट सेपरेशन स्मॉल डी, वो जो दो सोर्सेस है उनके बीच का डिस्टेंस स्मॉल डी इक्वल टू, कैसे सॉल्व करें, ये जो भी गिवन डेटा है उसमें से किसका फॉर्मूला पता है, किसका फॉर्मूला पता है हमको, जो भी गिवन डेटा है उसमें से कैपिटल एक्स गिवन है ना, जो भी गिवन है उसमें से कैपिटल एक्स पता है, तो कैपिटल एक्स का यूज करके गिवन डेटा क्या गिवन है, 10x इक्वल टू 2 इंटू 10 रेस टू माइनस 2, एक्स का यूज करो, लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, बराबर है ना, कैपिटल एक्स इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, तो कैपिटल एक्स की जगह पर यहाँ पर हम लोगों ने देखा लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, लिखो और क्या क्या गैप वैल्यूज गिवन है, लैम्डा गिवन है कितना, ठीक है पहले तो ये स्मॉल डी फाइंड करना है, तो स्मॉल डी इधर लो, ये टर्म इधर, तो ये होगा 10 इंटू लैम्डा डी डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 2 इक्वल टू स्मॉल डी, सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 10 इंटू लैम्डा 5100 इंटू 10 रेज टू माइनस 10 इंटू कैपिटल डी 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 रेज टू, कर लो कैलकुलेट, स्मॉल डी मिलेगा